प्रयागराज के संगम पर माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। देर रात से ही श्रद्धालुओं का रेला संगम तट पर उमड़ पड़ा। पौ फटते ही डुबकी शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से माँ गंगा का पूजन अर्चन कर दीपदान किया। कपकपाती ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था भारी दिखी। लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखा। घाटों के अलावा पूरे माघ मेला में सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। पैदल के अलावा घुड़सवार पुलिस के जवान निगरानी कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा जल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। संगम जाने के सभी रास्ते पैक रहे। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी बधाई। मौनी अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग में संगम पर मौन डुबकी लगेगी। इस बार शनि अमावस्या होने की वजह से इस स्नान पर्व पर डुबकी विशेष फलदायी होगी। इस बीच सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है। ऐसे में पुण्य की डुबकी से मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों तरह के पापों के शमन के योग हैं। मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़े जनज्वार के बीच आधी रात शुरू हुई बारिश ने लाखों श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी। माघ मेला क्षेत्र में सड़कों और पटरियों पर जमे बड़ी संख्या में लोग भीग कर थिथुरते रहे। उधर शिविरों में भी कई जगह पानी लग गया। इससे लोग ठंड के साथ बारिश की दोहरी मार का सामना करने के लिए मजबूर हो गए। रात करीब 11:30 बारिश शुरू होने से माघ मेला क्षेत्र में आफत सी आ गई। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश में शिविरों का हाल बेहाल हो गया। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। आज के दिन क्या महत्व किस तरह से दान करते हैं? हाँ, गंगा माँ की बहुत बड़ी महत्व है। यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी आए थे, वही तभी से यहाँ की महत्ता है इसकी। हाँ, 5 बार गंगा माँ का पैर छू के तब आचमनी करके फूल माला लेकर के तब उसमें 5 डुबकी लगाती हूँ, मौन धारण करके गंगा माँ का स्पर्श करके। आजकल अन्नदान है। गंगा मैया से कामना है कि मेरा भारत सुखी रहे। सरिता पांडे।